जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली यह है एसएससी जीडी में आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी के फॉर्म में अप्लाई होने वाले हैं 25 मार्च से। अब 5 से 6 दिन का समय आपके पास में बचा है, तो आप सभी को मैं बता दूँ कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी बननी। दोस्तों, काफ़ी बार मेरे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 5-10 दिन से मैं काफ़ी बिजी था, कोई भी वीडियो नहीं बना पाया और मैं लाइव भी शुरू करने वाला था, तो मेरे को 1-2 दिन का और समय लग जाएगा लाइव क्लास शुरू करने में। उसके लिए पहले तो मैं समझ आता हूँ, क्योंकि मैं आपको 12 मार्च का बोला था लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया बिजी होने के कारण। अब जल्दी मैं आपसे लाइव बात करूँगा और आपसे मिलकर आपको ज़रूर बताऊँगा और आगे की मैथ रीजनिंग की वीडियो भी लाइव करने की कोशिश करूँगा दोस्तों पूरी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि एसएससी जीडी के जो फॉर्म में अप्लाई होने में आपके इसमें फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, गर्ल्स के फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए और बॉयज़ के फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेटर फोर्स रहेगी। दोस्तों, 90% लोग, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको आज फिर बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं जिनको फोर्स के बारे में नहीं नॉलेज है, वो फोर्स के बारे में, जैसे कि आप अभी, जैसे आपको नहीं नॉलेज है फोर्स के अंदर क्या होता है, कौन सी फोर्स क्या काम करती है, आपको अभी बिल्कुल नहीं पता। एक दो बच्चे होंगे जिनके भाई या ब्रदर या माता पिता किसी फोर्स में हैं, तो उनको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन उनको अदर फोर्स का नहीं पता। इसी प्रकार जो यूट्यूब पे कुछ लोग वीडियो बनाते रहते हैं, उनको सीआईएसएफ का काम एसएसबी में बता देंगे, एसएसबी का काम सीआईएसएफ में बता देंगे, क्योंकि उन लोगों को वास्तविकता नहीं पता। इसलिए बहुत सारे बच्चे उनको वीडियो देख के फर्स्ट चॉइस भर देते हैं, फिर लास्ट में कई, इस बार भी मेरे पास में अभी भी मतलब सैकड़ों मैसेज है इससे संबंधित कि सर क्या हम पोस्ट चेंज कर सकते हैं, हमारी पोस्ट क्या होनी चाहिए, सर हम पोस्ट चेंज कर रहे हैं, हमारे नंबर इतने आ गए या हमारे नंबर कम आए, या सर हमारी फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं मिली, हमारे तो नंबर इतने फर्स्ट चॉइस। तो दोस्तों, उनको फर्स्ट चॉइस का एक तो नियम नहीं पता, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नियम भी बताऊँगा, साथ में बताऊँगा कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, अगर आपकी तैयारी किस लेवल की है तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप से अगर जो भी जुड़े हैं उसका लिंक के नीचे आप जुड़ जाइए दोस्तों, और मेरे से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है दोस्तों। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट चॉइस का जो नियम होता है, आपको फर्स्ट चॉइस किस आधार पर मिलती है ये लोगों को पता नहीं है। एसएससी जीडी का रूल क्या होता है ये लोगों को पता है। लोगों को ऐसा लगता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, आपको भी पता होगा कि जैसे आपके मान लो 80 नंबर है, ठीक है, और आपकी फर्स्ट चॉइस मान लो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ की मेरिट 81 गई तो आपको वो नहीं मिलेगी। दूसरी बीएसएफ है, बीएसएफ की मेरिट अगर मान लो 80 गई और आपकी सेकंड चॉइस बीएसएफ है, और किसी दूसरा बच्चा है जिसकी भी 80 नंबर है और उसकी भी फर्स्ट चॉइस अगर बीएसएफ है, तो किसको मिलेगी दोस्तों, उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी वो है सेकंड चॉइस, उसकी है फर्स्ट चॉइस। तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस डिपेंड करती है आपके नंबर पर, दूसरा डिपेंड करती है आपकी चॉइस पर, इसी आधार पे आपकी फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस मिलती है दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। केवल फर्स्ट चॉइस आपके बोल देने से नहीं मिलती, नहीं, आपके चूज करने से मिलती। फर्स्ट प्रायरिटी इसकी होती है आपके नंबर, आपकी जो फर्स्ट चॉइस अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लेवल की मेरिट हिट करनी पड़ेगी। अगर आप उसके लेवल की मेरिट हिट करते हो तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, अगर आप उसके लेवल की मेरिट हिट नहीं कर पाते तो आपको फिर नीचे की जो मेरिट रहती है उसमें आपको तब मिलेगी वो, कि जब अब जैसे आपकी सेकंड चॉइस बीएसएफ है, दूसरे बंदे की भी सेकंड चॉइस बीएसएफ है, उसके 79 है आपके 80 है, तो आपको फर्स्ट मिलेगी। लेकिन आपके भी 80 है और मेरे भी 80 है, अगर मेरी फर्स्ट चॉइस बीएसएफ है और आपकी सेकंड चॉइस बीएसएफ है, तो पहले मेरी प्रायोरिटी बनेगी, पहले मेरे को बीएसएफ मिलेगी, ठीक है। ये होता है फर्स्ट चॉइस का नियम, इसी आधार पर सभी फोर्सेस का होता है। जैसे होता क्या, कई बच्चे क्या बोलते हैं मेरे को, अभी मैं आपको रिजल्ट भी बता दूंगा उन बच्चों को, मेरे को मैसेज भी करते हैं कि सर मेरी सेकंड चॉइस बीएसएफ थी लेकिन मेरे को तो एसएसबी मिली है फोर्थ नंबर पे, जबकि मेरी फोर्थ चॉइस थी। तो फिर बोलता हूँ, फिर बोलते हैं कि सर जबकि एसएसबी की जो मेरिट है उससे तो मेरे 2 नंबर प्लस है, या बीएसएफ की मेरिट से भी मेरे 1 नंबर प्लस है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट चॉइस है उससे मेरे कम। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि अब बीएसएफ की मेरिट से भले ही उनके नंबर ऊपर हो या कुछ भी हो, लेकिन जिन बच्चों की फर्स्ट चॉइस बीएसएफ है उनको पहले बीएसएफ दी जाएगी। किस आधार पर, जिनकी सेकेंड चॉइस बीएसएफ है उनसे पहले, वहाँ पर नंबर नहीं देखे, नंबर केवल देखे जाते हैं केवल फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए आपके नंबर नहीं देखे जाते। सेकंड आपको उसको मिलेगी, जैसे मेरी सेकंड चॉइस है और किसी और की वो फर्स्ट चॉइस है, तो उसको फर्स्ट मिलेगी पहले, ठीक है। सेकंड को वहाँ प्रायोरिटी नहीं मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है केवल आपकी फर्स्ट चॉइस नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में वो आ जाते हैं चॉइस पर, नंबर से जब आपकी फर्स्ट चॉइस अलॉट नहीं होती तो उसके बाद में वो आ जाते हैं चॉइस पर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, लड़कों के लिए फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए और लड़कियों के लिए फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों, आप अच्छे से देखना और क्लियर कर लेना और यही रखना,
क्योंकि अगर आप यही फर्स्ट चॉइस रखोगे तो आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, आप आगे जाके भी मुझे याद करोगे, आप आगे भी जुड़े रहोगे मेरे से, तो मैं आपको बताता रहूँगा। नोटिफिकेशन आएगी तब एक बार और अच्छे से बताऊँगा कि आपको किस में जाना चाहिए। फोर्स के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, कौन सी फोर्स कैसी है, इसकी ड्यूटियाँ देखनी है, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो ड्यूटियाँ किसकी है। अब सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, आपकी फर्स्ट चॉइस SSB चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, सेकेंड चॉइस NIA, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये फर्स्ट चॉइस आप रख सकते हो क्योंकि ये सबसे शानदार फोर्सेस है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये बिल्कुल CBI की तरह काम करती है। आप सभी को पता है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छी ड्यूटी होती है, बहुत ही कम रिस्क वाली ड्यूटी होती है, सिंसियर वाली ड्यूटी होती है, काफ़ी अच्छी ड्यूटी मानी जाती है SSGT फोर्स में इसकी, ठीक है। दूसरी SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये भी बहुत ही अच्छी ड्यूटी इसकी मानी जाती है। विशेष रूप से इसका काम आप सभी को बताया, मैं काफ़ी वीडियो बता चुका हूँ, जैसे रो हमारी जो इंटरनेशनल कॉफी एजेंसी है उसको सिक्योरिटी प्रदान करती है, साथ में स्पेशल सिक्योरिटी करती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी ड्यूटी है, ये भी आप फर्स्ट चॉइस रख सकते हो। इसके ये तो हो गई दो, इनके अलावा जो 6 फोर्स है मुख्य, उनमें से आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए अगर आपको लगता है। इसके लिए मैं पहले बोल चुका हूँ, इनको फर्स्ट चॉइस वही दे जिनके नंबर 90+ लाने की हिम्मत हो, जो 90+ टारगेट हिट कर सकते हो, क्योंकि इनकी मेरिट कभी 90 से नीचे नहीं रहती। यानी जो बंदा 87, 88 या 90 नंबर हिट करता है वही इनको फर्स्ट चॉइस दे, ठीक है। अब जिनको लगता है कि मेरी तैयारी इस लेवल के नहीं, थोड़ा सा कम रहेगा, या मैं 80 के आसपास स्कोर कर सकता हूँ, या 82, 83, 84 इनमें से स्कोर पक्का कर दूंगा। दोस्तों इनके स्कोर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि आपको कैसे इनका स्कोर होगा, इसके बारे में भी काफ़ी वीडियो बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना होगा। अब दूसरी हम बात करें दोस्तों, इनमें से 6 फोर्स CISF SSB ITBP असम राइफल CRPF PSAP, इनमें से आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, आपकी फर्स्ट चॉइस CISF होनी चाहिए। CISF फोर्स बहुत ही अच्छी फोर्स मानी जाती है, इसमें फीमेल रखने की सुविधा काफ़ी अच्छी मिलती है इसलिए, और रिस्क बहुत कम है। दूसरी फोर्स लड़के और लड़कियों के लिए SSB रख सकते हैं, ठीक है। SSB लड़कियां पक्का इन दोनों फोर्स में से फर्स्ट चॉइस चूज करें, CISF और SSB लड़कियों के लिए विशेष रूप से बोल रहा हूँ। लड़कों के अगर बोलूँ तो जिन बच्चों को आर्मी ड्रेस पहनने का जुनून होता है, या जिन बच्चों को आर्मी जैसी वर्दी पहनने का जिसका सपना होता है, वो असम राइफल अपनी फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं। कई बच्चों को CRPF अच्छी लगती है, CRPF की वर्दी अच्छी लगती है, CRPF के काम भी अच्छे लगते हैं। आपको पता भी, प्रेजेंट टाइम में CRPF काफ़ी नाम कमा रही है, हर सेक्टर में काफ़ी बड़ी फोर्स है, प्रमोशन के लिए भी एग्ज़ाम देने के काफ़ी अवसर मिलते हैं, इन छोटी फोर्स में कम मिलते हैं। CRPF BSF काफ़ी बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं, इनमें प्रमोशन के भी काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उनके लिए, तो वो अपनी फर्स्ट चॉइस CRPF भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप माने तो CISF फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं आप, सेकेंड SSB दे सकते हैं, इन दोनों फोर्स में काफ़ी अच्छे, इनमें से जो बच्चा फर्स्ट चॉइस देना चाहिए वो दे सकता है। इसके अलावा अगर आप CRPF और BSF ले, असम राइफल का मैंने बता दिया, असम राइफल वो बच्चा दे जिसकी आर्मी की वर्दी पहनने का जिनमें जुनून हो, जो चाहते हैं कि उनको आर्मी की वर्दी पहनने का जिनका सपना हो, तो वो असम राइफल दे सकते हैं, क्योंकि असम राइफल की वर्दी आप सभी को पता है वैसी की वैसी है, साथ में उनको वो सब सुविधाएं मिलती है, जैसे कैंटीन सुविधाएं मिलती है उनको, हाँ वेतन भत्ते सभी के सभी SSGD के बाकी डिपार्टमेंट मिलते हैं वैसे मिलते हैं, लेकिन आर्मी कैंटीन सुविधाएं मिलती है, साथ में उनको वर्दी पहनने का जो उनका सपना होता है आर्मी की, वो पूरा हो जाता है, ठीक है। और उनकी भी ड्यूटियाँ इसी प्रकार की होती है जिस प्रकार से बाकी सभी डिपार्टमेंट की होती है, आर्मी के साथ में अटैचमेंट ड्यूटी होती है, उनकी सभी अलग कमान जो होते हैं वो सब आर्मी के ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड हो गई, थर्ड फोर्थ में आपको सजेस्ट करूँगा BSF और CRPF में से, और फिफ्थ सिक्स सजेस्ट करूँगा असम राइफल और ITBP में से। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोला कि कौन सी फोर्स अच्छी है, ये नहीं बता रहा, मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो इन फोर्सेस में काफ़ी अच्छी ड्यूटी कर सकते हो, इनमें आपकी जो डिपेंड करेगा आपके दिमाग पर। लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो CISF जरूर चूज़ करें, CISF काफ़ी अच्छी फोर्स है, और आप सभी को पता है कि उनकी कम रिस्क वाली बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि बाकी फोर्सेज जिनको मैं 5 नंबर बता रहा हूँ, 6 नंबर बता रहा हूँ, या 3 नंबर बता रहा हूँ, वो कम या किसी भी रूप से कमज़ोर या किसी भी रूप से गलत फोर्स नहीं, ऐसा नहीं है। मैं केवल इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फोर्सेस काफ़ी अच्छे स्कोर करने वाले बच्चों को मिलती है, और इनमें जो ड्यूटी मानी जाती है फीमेल रखने की सुविधा फोर्स में काफ़ी अच्छी मिल जाती है SSB और CISF में, तो लड़कियों के लिए विशेष रूप से अच्छी हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि CRPF की ड्यूटी काफ़ी हार्ड भी पड़ती है कई इलाकों में इसलिए, और फीमेल रखने की सुविधाएँ कम मिलती है CISF की बदौलत, हाँ छुट्टियाँ CISF में कम मिलती हैं, तो CRPF रख सकते हैं। BSF के बारे में आप सभी को पता है, बाकी आप इन सभी के बारे में वीडियो देख सकते हो। असम राइफल के आप सभी को पता है कि जितने भी कमांड होते हैं आर्मी के अंडर होते हैं, जिन बच्चों का सपना होता है असम आर्मी वर्दी पहने, वो असम राइफल में जा सकते हैं,
और IITBP में भी जा सकते, IITBP में लड़कियाँ भी बहुत सारी सर्विस करी, आप सभी को पता है आज के समय में IITBP भी किसी पोस्ट बड़ी मतलब काफ़ी नाम हो रहा है हर जगह, IITBP का भी बहुत अच्छी फोर्स है। तो फोर्स सभी अच्छी है, लेकिन अगर कर्म जो मैंने बताया ये आपके लिए एक संकेत है कि आप इनमें जाओगे तो आपको कभी पछताना नहीं होगा, कभी आप ये नहीं बोलोगे कि हमारी फर्स्ट चॉइस गलत हो गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी जो इच्छा है, आपको जिस पोस्ट में जाना है उसका मैंने वीडियो बना रखे उनके काम के बारे में, देख के आप खुद से डिसाइड कर सकते हो दोस्तों।